हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। बना हुआ के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हमने जो आज के लेवल्स डिस्कस किए थे, एक बार उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमने मार्क किया था 18,273, एक डिसिसिव लेवल लेने वाला है। इसके ऊपर मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्गली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहाँ से ब्रेक किया मार्केट ने अपसेट पे। और यहाँ पे हमारे ये वाला जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से डाउन साइड को मोमेंटम लिया। तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो हमारा टारगेट ये रह सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया 9:15 की कैंडल पे, और मार्केट ने इस लेवल से स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस लेकर हमारा डाउन साइड का जो टारगेट था 18,294, इसको मार्केट ने हिट किया है। तो ये था निफ्टी का। और अब हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की भी, कि बैंक निफ्टी में जो हमारे टारगेट थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। बैंक निफ्टी पे स्विच करेंगे तो बैंक निफ्टी में देखिए, हमने मार्क किया था कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है, और मार्केट में 43,466 का एक डिसिसिव लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऊपर जाएगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेकर नीचे की तरफ गिरेगी 43,018 के टारगेट के लिए। मार्केट नीचे आई है, काफी नीचे आई है, लेकिन मार्केट ने अपना टारगेट था उसको एग्जैक्टली हिट नहीं किया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कल के लिए, कि कल किस तरह का मोमेंटम मार्केट में आ सकता है और क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके लिए हम एक बार एसजेक्स के ऊपर चलेंगे। एसजेक्स पे देखते हैं कि 3:30 बजे मार्केट देखिए इस वाली कैंडल पे बंद हुई थी, इसी कैंडल पे मार्केट बंद हुई थी, एग्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट अभी भी चल रही है। तो देखिए कोई खास मोमेंटम नहीं आया अपसाइड पे या डाउनसाइड पे। अब हम देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को, कि डॉलर इंडेक्स किस तरह से बिहेव कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी साइडवाइज चल रहा है, यहाँ पर मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो डॉलर इंडेक्स अगर नीचे की तरफ गिरा तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया तो हमारी निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ गिर सकती है। तो निफ्टी इसीलिए जो एसजेएक्स है वो इसीलिए साइडवेज चल रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी साइडवेज चल रहा है, उसमें कोई खास अपसाइड या डाउनसाइड का मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो निफ्टी में बात करें थे अब हम, कि निफ्टी पे हमारा किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। निफ्टी में हमारा फिर से जो डिसिसिव लेवल है वो 18,273 ही रहेगा, जैसा कल के लेवल में था। इसके ब्रेक करते हैं मार्केट 18,294 का फर्स्ट टारगेट, 18,331 का सेकेंड टारगेट बुक कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, डाउन साइड पे मोमेंटम आया, तो हमें सबसे पहले जो एक बार पिवट्स ऑन करके देख लेते हैं, सबसे पहले हमें 18,210 का टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। सबसे पहले हमें इसे अगर रिवर्सल आता है तो हमें डाउन साइड का टारगेट मिलेगा 18,215 का। इसको ब्रेक कर दिया तो 18,176 का टारगेट रह सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये आपका वन शोल्डर है, ये आपका हेड है, और ये आपका सेकंड शोल्डर बन रहा है। तो अगर मार्केट हमारे जो नेकलाइन है अगर उसको ब्रेक कर देती है, नेकलाइन में हम इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे, इस लेवल को उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिला था, तो हमें वापस से एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमारा टारगेट रहेगा 42,816 का। अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल ले जाती है मॉर्निंग में, तो 43,466 हमारा टारगेट रह सकता है। तो ये हमारा अपसेट का टारगेट रहने वाला है, इसको हम ग्रीन कलर करेंगे। और ये हमारा डिसिसिव लेवल है, इसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें सेल साइड जाना है या बाय साइड जाना है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो सेल साइड जाएंगे, और अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो हम बाय साइड प्लान कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप ज़ीरोधा पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है और ईजी टू यू नो हैंडल है, और 20 लेवल्स तक इसमें डेप्थ देखने को मिलती है, प्लस 0% इसके मेंटेनेंस चार्जेस हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म रहेगा। तो इनकेस अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने पॉजिटिव कमेंट्स हमें भेजते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बना रहे। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।